नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अभी संबंधों के चलते धारदार फावड़े से कर दी गई हत्या। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर थाना रामपुर कला क्षेत्र के ग्राम लखवापुर में आज सुबह 4 बजे इस समय एक व्यक्ति की दुर्मम हत्या कर दी गई। मृतक राजकिशोर उर्फ बबलू 24 वर्ष पिता शिवशंकर निवासी महमूदपुर थाना अटरिया सीतापुर अपनी बहन नीलम के घर कल लखवापुर आया था। सूत्रों के अनुसार पता चला कि हत्यारे की पत्नी से मृतक के अवैध संबंध के चलते यह घटना हुई है। हत्यारा जगदीश पिता रामविलास निवासी लखवापुर थाना रामपुर कला ने फावड़े से गर्दन पर वार कर मौत की घाट उतार दिया। हत्यारा मार कर खुद थाने में पेश हो गया। मृतक बबलू 2 वर्ष पूर्व इसी गांव में अपनी बहन की हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ उदय प्रताप सिंह एसओ रामपुर कला अध्यक्ष यादव एसओ अटरिया पुष्पराज कुशवा पहुंचकर जांच कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर भेज दिया गया है। 9-8 बजे तक तो बैठे रहन बालक के रे बाबू जी नहीं जान पाने कुछ मन अब हमारे पनौर है थक गए अब बस ये हमका बाद में बढ़े बताए कि तुम ही मतलब नाव नाई फिर समझाने थे तो कह कि यहाँ पढ़ो इंद्र पास मारे परे तुम मैंने कहाँ के जो जो द्वारे बस हम यहाँ में भागे किस लिए हमारा ये कहन कहना बिहाव कर रही बे दुल्हन जगदीश के तो वो सब पैसा कौड़ी साहब ये खाएगी मतलब गन्ना में पैसा लेंगे लाख खंड क्या लेकिन आए रहा है हाँ वो तो गन्ना बन गन्ना बह रहा अगर रुपया खाएगी तो के बाद कल बुलवाएगी। ग्राम लखवापुर थाना रामपुर कला में सुबह एक हत्या की सूचना मिली जी, जिसके आधार पर आके यहाँ पे पंचायतनामा और बाकी कार्रवाई की गई है। तहरीर प्राप्त हो चुकी है और मुकदमा पंजीकृत हो गया है। नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है जी, शेष विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। सर हत्या का कारण कुछ पता चला? अभी तक तो ये आ रहा है कि हाँ इसका मृतक का जो है अभियुक्त की जो है पत्नी से अवैध संबंध था। इस संबंध में पहले भी जो है इन लोग के बीच में जो है बातचीत वगैरह हो चुकी थी और आज भी है मृतक जो है इन्हीं के घर पे आया था और इन्हीं के घर पे था और घर पे ही उसकी हत्या हुई है। अभियुक्त के घर पे ही उसकी डेड बॉडी मिली है। ठीक है, सीतापुर से असलम अंसारी की ब्यूरो रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल